हेलो फ्रेंड्स हमारे चैनल के एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है स्पर्म सेल्स गैमेट या सेक्स सेल्स होती है जो ह्यूमन मेल के टेस्टिकुलर ऑर्गन या गुनाड में उत्पन्न होती है फीमेल गैमेट की तरह स्पर्म सेल्स में भी 23 क्रोमोसोम्स होती है जो म्योसिस सेल डिविजन के परिणाम स्वरूप फॉर्म्स होती है एनिमल्स और ह्यूमन्स के साथ कई अन्य जीवों के बीच ये सेल्स सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है जिनमें मेल और फीमेल गैमेट का इंटरक्शंस होता है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें एक नॉर्मली फॉर्म स्पम का हेड स्मूथ ओवल सेप का होता है स्पम हेड का डायमीटर अप्रॉक्स 2.5 से 3.5 माइक्रोमीटर और लेंथ 4 से 5.5 माइक्रोमीटर होता है स्पम में वेल डेवलप्ड एक्जोम होता है जो अप्रॉक्स 40 टू 70 परसेंट ओवल सेप हेड को कवर करता है स्पम में एक थिन मिडल सेक्शन होता है जिसका लेंथ लगभग हेड के लेंथ के इक्वल होता है इसके अलावा एक थिन टेल सेक्शन होता है जो लगभग 45 माइक्रोमीटर का होता है आइए अब डिटेल में स्पम्स के स्ट्रक्चर को देखते हैं हेड स्पम्स का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है जिसमें एक न्यू लाइफ फॉर्म करने के लिए एक आवश्यक न्यूक्लियस होता है जिसमें ट्वेंटी थ्री होता है न्यूक्लियस के अलावा स्पर्म्स का हेड कई अन्य पार्ट से बना होता है जिसमें एक्रोजोम और एक्रोजोमल कैप शामिल है एक्रोजोमल कैप मिलकर एक्रोजोम रीजन का फॉर्मेशन करता है स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान गोल्गी कॉम्प्लेक्स से एक्रोजोम का फॉर्मेशन होता है एक्रोजोम के मैट्रिक्स में एक्रोसिन इंजाइम मिलता है एक्रोसिन एंजाइम के अलावा एक्रोजोम में मैनोज हेक्सोजमाइन और गैलेक्टोज भी होता है एक्रोजोम फर्टिलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जैसे कि इसके ऊपर प्रेजेंट मॉलिकुल ऊसाइट्स को फर्टिलाइजेशन के लिए आइडेंटिफाई करता है मिड पीस स्पम का एक सेंट्रल पार्ट है जो स्पम्स हेड और टेल के बीच में होता है स्पम्प्स हेड की तरह मिडपीस स्पम्स की कुल लंबाई का प्रॉक्स टेन परसेंट है स्पम के मिड पीस में टाइटली पैक्ड माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है जो स्पम्स को स्विम करने के लिए आवश्यक एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पम्स को एनर्जी प्रोवाइड करने के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया कंट्रोल सेल डेथ जिसे एपोप्टोसिस कहते हैं उसे भी कंट्रोल करता है सेंट्रियोल स्पम्स का वह हिस्सा है जो स्पम्ब्स के हेड और मिड पिस् के बीच में होता है सेंट्रियोल सिंट्रोजोम कॉम्प्लेक्स में सेंट्रियोल स्पम्स एस्टर और जायगोट एस्टर का फॉर्मेशन करता है इसके अलावा सेंट्रियोल माइटोटिक एपरेटिस का भी फॉर्मेशन करता है जो माइटोसिस सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम्स को सेपरेट करता है स्पम्स का टेल थिन एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है जो पूरे स्पम्स के लेंथ का लगभग 80 परसेंट है ऑल दो स्पम टेल एक लॉन्ग कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर है बट स्पम टेल को कई भागों में डिवाइड किया गया है जैसे कि कनेक्टिंग पीस कनेक्टिंग पीस स्पम टेल का वह हिस्सा है जो फ्लैजला को स्पम हेड से कनेक्ट करता है इसके अलावा मिड पीस प्रिंसिपल पीस और एंड पीस होता है प्रिंसिपल पीस और एंड पीस वेव फॉर्म को जनरेट करने में मदद करता है जो स्पम्प्स के मूवमेंट में हेल्प करता है